हेलो स्टूडेंट, आई एम विजेंद्र यादव। वंस अगेन वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीनोन साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो और मेथड्स की। ये दो मेथड्स जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स। ये दोनों मेथड्स आपके हैं बडिंग एंड सेकेंड वन इज रीजनरेशन। बडिंग और रीजनरेशन दो एक ऐसे आपके टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिनमें आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जहां मैं बडिंग की बात करूं, जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दोनों का डेवलपमेंट होता है। और जहां रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो रीजनरेशन में आपके कंडीशन बनती है, रीजनरेशन बेसिकली स्पेसिफिक या मैं कहूं स्पेशल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, बट रीजनरेशन अकर्स ओनली इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। बडिंग आपकी नॉर्मल से प्रोसीजर है, रीजनरेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉट हैपन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल काइंड ऑफ सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। फर्स्ट बडिंग। बडिंग एक वर्ड आपके आता है बर्ड, उससे बर्ड से बना है बडिंग। बडिंग इज मींस बर्ड बेसिकली एक आउटग्रोथ आपकी हम कह सकते हैं, बर्ड इज आउटग्रोथ ऑफ बॉडी। प्लांट के केस के अगर देखा जाए तो प्लांट के केस में हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, वो प्लांट के पार्ट्स को, तो वी कैन क्लासिफाई देम इनटू फाइव कैटेगरी एंड दीज आर रूट, स्टेम, लीव, बर्ड एंड फ्लावर। रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड एंड फ्लावर। रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड द लास्ट वन फिफ्थ वन फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां बडिंग आपकी एक ऐसी प्रोसेस आती है जैसे हम आउटग्रोथ आपके बॉडी में से कहीं स्पेसिफिक टिश्यूज का या कुछ पर्टिकुलर सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होना, स्पेशलाइज सेल डिविजन की वजह से एक आउटग्रोथ, एक उभार बनना, एक नई ग्रोथ बनना, और वो ग्रोथ आपके एक नए ऑर्गेनिज्म सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, तो वो प्रोसीजर आपके बडिंग के केस में आपको देखने को मिलती है। अगर हम डिफाइन करें तो बडिंग आपकी क्या है, ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द आउटग्रोथ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आउटग्रोथ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट आउटग्रोथ पार्ट इज नोन एज बड, उसको हम बड का नाम देते हैं। रीजन बिहाइंड द बडिंग, दिस इज ड्यू टू द डिसेल डिविजन ऑफ वन पर्टिकुलर साइट। यहां बेसिकली आपके सेल डिविजन आपके मेन रोल प्ले करता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह पे मैं अगर कहूं कि हमारी बॉडी में आपके कहीं हाथ के ऊपर किसी भी पोर्शन में अगर आपका क्या हुआ है, इस उंगली की मैं मेरे फिंगर की बात करूं, अगर यहां आपके सेल्स का डिविजन डिविजन पर्टिकुलरली इस पोर्शन पे अगर ज्यादा हो जाता है तो वो डिविजन आपके बड का फॉर्मेशन करेगा। हमारे अंदर बडिंग नहीं होती क्योंकि हमारे अंदर कैपेबल नहीं है कि एक सिंगल सेल कंप्लीट फॉर्मेशन कर सके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का। तो बेसिकली सेल डिविजन पर्टिकुलर साइट पे, किसी पर्टिकुलर साइट पे सेल डिविजन होगा और इस पर्टिकुलर साइट पे सेल डिविजन की वजह से बनेगी बड, और ये बड आपके आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेसिकली मैंने कहा कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों में आपके देखने को मिलती है हाइड्रा, यीस्ट और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में भी आपके बडिंग की प्रोसीजर होती है। मैं यहां आपको डायग्राम्स के थ्रू हाइड्रा और यीस्ट में समझा देता हूं। हाइड्रा एक एनिमल आपके एक्वेटिक एनिमल है, यीस्ट आप इसके बारे में अच्छे से जानते होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस में शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में इसका यूज किया जाता है, बेवरेज वगैरह में आपके ज्यादातर यूज होता है। तो मैं यहां हाइड्रा की बात करूं, सबसे पहले हम हाइड्रा के केस की बात करते हैं। तो ये एक हाइड्रा है, इसके अंदर देखिए यहां आपके एक आउटग्रोथ बनी जिसको हम बड का नाम देते हैं। ओके, ये बनी बड,
ये बड़ आगे चलकर इसमें ग्रोथ हुआ। देखिए मैंने कहा सेल डिवीजन होगा तो ये पोर्शन और बढ़ेगा पर्टिकुलर साइड पे, और ये बड़ आपकी बढ़ती हुई चलेगी। इन आफ्टर सम टाइम सिचुएशन में ये बे आपकी बर्ड इस मदर प्लांट से आपकी क्या हो गई, सेपरेट हो गई, और सेपरेट हो गई एक बेबी हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेती है। बेबी हाइड्रा कहूं या मैं कहूं इट इज ए न्यू हाइड्रा। ओके अच्छा, सेम कंडीशन यीस्ट में आती, यीस्ट में आपके क्या है, यीस्ट सेल है, न्यूक्लियस में आपके देखिए इलोंगेशन हुआ, ये वैक्यूल है नीचे, न्यूक्लियस में इलोंगेशन हुआ, ऊपर एक बर्ड बनी, ये बर्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये बर्ड आपकी या तो इससे डिटैच हो जाती अटैच रहती है, या फिर ये बर्ड्स आपके यहां से आपके सेपरेट हो जाएंगी, ये बर्ड्स आपके यहां से सेपरेट होके भी आपके सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखती है। ये भी बेबी यीस्ट है और ये भी आपकी क्या है, न्यू यीस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ओके तो सिंपल आपके मैं कहूंगी यीस्ट सिंपल यूनिसेल्यूलर है, यहाँ ये यूनिसेल्यूलर की क्या कहेंगे, हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो दोनों ही केस में आपके क्या हुआ, आपके बडिंग की प्रोसीजर हो रही है। प्लांट्स में अभी आपके ऐसा होता है, लेकिन हम वेजिटेटिव पोर्शन में, हम उस पोर्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन आपके आती है, अगर नेक्स्ट बात कहूं तो रीजनरेशन की कैपेसिटी आती है। रीजनरेशन मीन्स दोबारा से पैदा होना, री ये लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जो दो वर्ड है री अगेन और जेनरेट मीन्स टू बिगिन, यानी आपके दोबारा से किसी फॉर्मेशन का, किसी भी मटेरियल का दोबारा से बनना, दैट इज नोन एज रीजनरेशन प्रोसीजर कहलाती है। रीजनरेशन में एक्चुअल में है क्या, डिफाइन हाउ कैन वी डिफाइन रीजनरेशन प्रोसेस। रीजनरेशन द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट एंड रिप्लेस द वन लॉस थ्रू एक्सीडेंट और सेल्फ, यानी आपके किसी बॉडी पार्ट का, आपके अंदर जो बॉडी पार्ट है उस आपके अंदर में, तो हम ह्यूमन बीइंग्स की नहीं बात करें, हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, हम बात कर लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी पार्ट अगर डैमेज हुआ है तो उस डैमेज का, या फिर आपके एनी ऑर्गन टू रिपेयर इंडेंजर्ड और रिप्लेस द वंस लॉस्ट। अगर मैं बात कहूं कि कोई पार्ट डैमेज हो गया या कोई पार्ट लॉस्ट हो गया, उसके लिए नए बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज अ रीजनरेशन प्रोसेस। रीजनरेशन प्रोसेस बेसिकली अकर्स इन स्पेशल एडवांस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट हैपन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी में नहीं होती, हम ह्यूमन बींग्स में नहीं होती, ठीक है। ये स्पेशली सेल्स जो आपके ऑर्गेनिज्म है उनमें बेसिकली आपकी मिलती है। अगर रीजनरेशन की बात कहें तो सबसे पहले 1740 में एक साइंटिस्ट थे ट्रेम्बले, उन्होंने हाइड्रा में इसे डिस्कवर किया गया था। रीजनरेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1740 में, और किसके थ्रू, ट्रेम्बले के थ्रू, और जिस ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर किया गया था दैट इज हाइड्रा, वो बेसिकली हाइड्रा था, हाइड्रा में इस चीज को डिस्कवर किया गया था। अच्छा इसके पीछे का रीजन देखिए, मैंने आपके कहा कि बडिंग के पीछे जो रीजन है या कॉजेज हम बात करें, तो बडिंग में आपके कंडीशन बनती है कि किसी भी पर्टिकुलर साइट पे आपके सेल डिवीजन, एक ही पर्टिकुलर साइट पे अगर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा आपके बढ़ता है तो उस केस में आपके रीजनरेशन की बडिंग की कंडीशन बनती है। लेकिन रीजनरेशन के केस में आपके क्या आता है, तो रीजनरेशन के केस में आपके सिंपल सा फंडा है, रीजनरेशन के पीछे सेल्स जो स्टेम सेल्स हैं, ओके हमने स्टेम सेल्स पढ़ी हैं, वो सोमेटिक और सोमेटिक सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, और दूसरी साइड में हमने सेक्स सेल्स पढ़ी। तो स्टेम सेल्स की बात करें, स्टेम सेल्स में देखिए द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल रिजर्व और स्टेम सेल एंड डी डिफरेंशिएशन कैपेसिटी ऑफ दीज सेल्स, यानी आपके अंदर जो स्टेम सेल्स हैं उन स्टेम सेल्स का क्या होना, उनके अंदर आपके स्पेशल रिजर्व स्टेम सेल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी वो सेल्स आपके स्पेसिफिक सेल्स आते हैं जो जिसके अंदर कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन यानी रिमेनिंग पार्ट या एंडेंजर्ड पार्ट को रिपेयर करने की कैपेसिटी होती है, और वो डी डिफरेंशिएशन करती है, नहीं बार बार बदल के अपने आप को जिस जो पर्टिकुलर पोर्शन जो क्या आपके पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा पर्टिकुलर पार्ट आपके फॉर्म करने की कैपेसिटी रखती है। उस वजह से रीजनरेशन की कैपेसिटी आपके बेसिकली मिलती है।
अगर रीजनरेशन की बात कहूं, मैं एग्जांपल्स की बात कहूं, तो हम प्लेनेरिया और हाइड्रा को इंक्लूड कर सकते हैं। हाइड्रा और प्लेनेरिया बडिंग मेथड के थ्रू भी आपकी क्या बनाते हैं, बडिंग मेथड के थ्रू भी रिप्रोड्यूस होते हैं और रीजनरेशन के थ्रू। मैंने यहां प्लेनेरिया का आपके डायग्राम बनाया है। प्लेनेरिया, इसमें ये दो डॉट्स जो आपके दिख रहे हैं, ये आइस वाटर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जो लाइट को डिटेक्ट कर सकता था। अगर किसी भी कंडीशन में अगर मैं इसके बॉडी पार्ट्स को तीन पार्ट्स में, इसकी बॉडी को तीन पार्ट्स में, ए बी और सी, अगर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ये तीनों पार्ट्स आपके क्या करते हैं, अपने बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स को आपके क्या कर लेते हैं, फिर से डेवलप करके, ये देखिए तीन कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तीन कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब बात आती है कि सर आप ये कह रहे हैं कि रीजनरेशन के थ्रू अगर कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए या लॉस हो जाता है तो वो दोबारा से डेवलप हो जाता है। फिर हमारे केसेस में कभी नहीं होता, अगर किसी आदमी की उंगली कट जाए, हाथ या पैर कट जाता है तो वापस से वो डेवलपमेंट नहीं होता। जबकि आप लोगों ने इसका सबसे रीजनरेशन हमारे आसपास में अगर हम ऑर्गेनिज्म देखें तो आपने लिजार्ड देखी होगी, छिपकली, ठीक है, छिपकली की जो पूंछ आती है अगर वो कट जाती है तो कटने के बाद में थोड़े टाइम के बाद में आप देखेंगे लिजार्ड की जो टेल है वो वापस से डेवलप हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती। उसका बेसिक रीजन है कि स्टेम सेल जो आपके लिजार्ड में थी उनके अंदर कैपेसिटी थी कि वो कंप्लीटली फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन हम अगर हमारी बात कहें, हमारा हम लोग ह्यूमन बींग्स की या हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उनमें हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है हमारी कंप्लीट, अगर वन सेल की बात करें तो वन सेल, एक सिंगल सेल आपकी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। दूसरी चीज, हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो नर्व सेल्स और साथ में आपके हार्मोनल सिस्टम के कंट्रोल्ड में होती हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आवर बॉडी सेल्स आर इन कंट्रोल ऑफ नर्वस टिश्यू एंड नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, इन दो सिस्टम्स के कंट्रोल में होते हैं। जबकि लिजार्ड्स जैसे की बात करें, प्लेनेरिया की बात करें, हाइड्रा की बात करें, तो इनमें ऐसा कुछ सिस्टम आपके होता नहीं है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिर्फ टिश्यू ही मिलते हैं, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जैसा ऐसा कुछ होता नहीं। इस वजह से बेसिकली इनमें आपके रीजनरेशन हो जाता है। हम ह्यूमन बींग्स में या आपके काओ का फैलो, हम आसपास में जिनकी बात करें उनमें आपके रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। तो ये बडिंग और रीजनरेशन मेथड थे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ First of all, thank you. Keep watching and support me. Have a nice day.